हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ विड्रॉल का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना पीएफ का फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं और आपका क्लेम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा। अगर आपने सभी केवाईसी सभी अपडेट किया है तो आपका क्लेम सिर्फ 2 दिन में सेटल हो जाएगा और आपके बैंक में अकाउंट में पैसा विद इन 4 to 7 days आपके बैंक अकाउंट में आपका पीएफ का पूरा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्या आपको ऑनलाइन फॉलो अप्लाई करना है या ऑफलाइन, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गूगल क्रोम पर आना होगा। यहाँ पर आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन कर लीजिए। ये पीएफ की वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पर आप मेंबर होम पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अगर अभी तक आपने अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं किया तो आप यहाँ से एक्टिवेट यूएन पर जाकर अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ई नॉमिनेशन फाइल करने का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पर फाइलों पर जाकर आप अपना नॉमिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर तो चलिए मैं यहाँ पर लेटर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर अपने यूएन मेंबर की डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें, आपके डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सभी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए दोस्तों। और आधार कार्ड अपना, आपका आधार नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, पैन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको यहाँ पर सब डिटेल्स यहाँ पर अपडेट केवाईसी होने के बाद ही कंप्लीट, तभी आपका पीएफ का क्लेम सेटल हो जाएगा दोस्तों 2 दिन में। तो आप अपने अभी तक ये केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो अपने एम्प्लॉयर के पोर्टल पर अपडेट करा लीजिए अपने केवाईसी को। आपको पीएफ का पैसा विड्रॉल करने से, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको अपनी पीएफ पासबुक में जाकर अपना अमाउंट देखना होगा, कितना है पीएफ का अमाउंट। यहाँ पर आप पासबुक में यहाँ पर लॉगिन कीजिए, ये आपको दूसरी साइट पर लेके जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर अपनी पासबुक में आप अपना पीएफ का टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि कितना है। देन फिर आपके अपडेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D इस फॉर्म पर क्लिक करना होगा। फॉर्म ओपन होते ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन देगा। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है। याद रखिए दोस्तों, आपको वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पर जो आपने केवाईसी अपडेट करने के टाइम डाला था। बहुत ही केयरफुली से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर से आपको कुछ परमिशन देने होंगे, यहाँ पर यस कीजिए, अग्री कर दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन को। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम फॉर्म। यहाँ पर प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम के बाद पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक न्यू पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी डिटेल सभी चेक कर लीजिए, आधार नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ जॉइनिंग। देन आपको यहाँ पर आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फॉर्म 19 पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा, अपलोड फॉर्म 15G। फॉर्म 15G उन्हीं को फिल करना है दोस्तों जिनकी सर्विस 5 ईयर से कम है और जिनका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। उन्हीं को TDS कटेगा, तो TDS के कटने से बचाने के लिए आपको यह फॉर्म 15G फिल करना है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। फॉर्म 15G अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स, एड्रेस डालना होगा। आपका पूरा एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, सिटी नेम, सभी आपको यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल कीजिए, एड्रेस आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए, एरिया, पिन कोड सभी यहाँ पर डाल दीजिए दोस्तों। देन आपको यहाँ पर अपने चेक और पासबुक का अपलोड करनी होगी दोस्तों आपका। अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप यहां पर अपने पासबुक का फ्रंट जो होता है दोस्तों, फ़ोटो के साथ, IFSC कोड, अकाउंट डिटेल सभी उसमें क्लियरली दिखनी चाहिए। पासबुक अपलोड करने के बाद आपको यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। आप उस OTP को यहां पर डालकर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पर OTP डाल दीजिए, देन यहाँ पर सबमिट फॉर्म क्लिक कीजिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड फाइनल PF विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड मेंबर पोर्टल। यहाँ पर आप क्लिक कर PDF भी पढ़ सकते, जैसा कि आप यहाँ पर PDF में देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म 19 ऑनलाइन फिल किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। आपका UN नंबर, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका PA बैंक नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स, सभी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए दोस्तों, आपका PF का फाइनल सेटलमेंट विद इन 7 डेज आपके अकाउंट में अपना PF का पैसा आ जाएगा। इस पर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों कि अपने पेंशन का पैसा किस तरह से निकाल सकते हैं फॉर्म 10C के बारे में, एंड अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।